महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की सुरक्षा को लेकर बड़ी खबर निकलकर सामने आई। चुनाव से पहले उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई और सुरक्षा के इंतजामों को लेकर महाराष्ट्र सरकार हाई अलर्ट पर। आइए जानते हैं कि इससे पूरी घटना का आखिर कारण क्या है। दरअसल देवेंद्र फडणवीस को लेकर केंद्रीय खुफिया एजेंसी ने महाराष्ट्र सरकार को अलर्ट किया। जानकारी के अनुसार उन्हें अल्ट्रा फोर्सेस से खतरा, उनके खिलाफ किसी तरह की साजिश रची जा रही है। इसी के मद्देनजर उनकी सुरक्षा में फोर्स वन के 12 जवानों को तैनात किया गया। फोर्स वन के जवान अब देवेंद्र फडणवीस के मुंबई स्थित आधिकारिक आवास और नागपुर स्थित निवास और उनके सार्वजनिक कार्यक्रमों में उनकी सुरक्षा के लिए तैनात रहेंगे। इसके अलावा मुंबई पुलिस और राज्य के अन्य सुरक्षा बल भी पूरी तरह से सतर्क कर दिए गए ताकि उनकी सुरक्षा में कोई भी चूक ना हो पाए। अब ये गौरतलब है कि 20 नवंबर को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग होने वाली है और इसके नतीजे 23 नवंबर को सामने आएंगे। चुनावी माहौल के अंदर देवेंद्र फडणवीस जैसे हाई प्रोफाइल नेता की सुरक्षा को लेकर प्रशासन का सतर्क होना बेहद जरूरी है। हाल ही में दशहरे के दिन बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद राज्य में हाई प्रोफाइल लोगों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने इस हत्या की जिम्मेदारी ली थी, जिसके बाद से मुंबई क्राइम ब्रांच लगातार जांच भी कर रही है और हाई प्रोफाइल लोगों की सुरक्षा का आकलन किया जा रहा। आपको ये बता दें कि देवेंद्र फडणवीस को पहले से ही जेड प्लस सुरक्षा प्राप्त है, जिसमें उन्हें देश के सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा कर्मी मुहैया कराते। खुफिया एजेंसी के नए इनपुट के बाद अब उनकी सुरक्षा को और भी ज्यादा कड़ा कर दिया गया। हाल ही में जब फडणवीस नागपुर पहुंचे तो उनकी सुरक्षा में फोर्स वन के विशेष जवानों को तैनात किया गया था। ये जवान न केवल उनके कार्यक्रमों में मौजूद रहे बल्कि नागपुर और मुंबई स्थित उनके आवासों पर भी सुरक्षा में मुस्तैद रहे। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में इस बार कुल 288 सीटों पर वोटिंग होनी है। चुनाव का ये दौर राज्य की राजनीति के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा और ऐसे में राज्य के प्रमुख नेताओं की सुरक्षा को लेकर कोई भी खतरा नहीं लिया जा सकता। तो ये भी देवेंद्र फडणवीस की सुरक्षा से जुड़ी खबर है और इसको लेकर केंद्रीय खुफिया एजेंसी और महाराष्ट्र पुलिस अलर्ट पर। राज्य के नेताओं की सुरक्षा में इस तरह की बढ़ोतरी चुनाव से पहले तैयारियों के लिए एक अहम कदम है। राज्य के नेताओं की सुरक्षा में इस तरह की बढ़ोतरी चुनाव से पहले तैयारियों का एक अहम कदम। बने रहिए हमारे साथ और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।